नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड कक्षा दसवीं के लिए जो का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं अगर आपको दोस्तों कक्षा दो दसवीं के अंदर यहाँ पर अंग्रेजी के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं हाफ ईयरली एग्जाम में तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेपर इस प्रकार से आने वाला है पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं उसके बाद में सेक्शन ए आता है तो यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए में क्वेश्चंस पूछे गए तो देखिए दोस्तो, दोस्तों चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इन 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 योर 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 आंसर आंसर बुक दोस्तों जो आंसर बुक है उसमें लिखना ठीक है ना चार क्वेश्चन आने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला तो चार नंबर का पेपर आपका होने वाला है तो दोस्तों देखिएगा सी विल लिसन ये क्या दे रखा है यहाँ पर ओल्ड सिंधी सॉन्ग नाउ यानी वो अभी सुन रही है तो नाउ के साथ में क्या आता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो कर रहा है तो इसलिए सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको पूरा सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है ना लिंक टेलीग्राम चैनल को इसका पीडीएफ और इसका पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वॉटर बॉयल सारा दोस्तों ये जो है कर लेना है कुछ नहीं करना दोस्तों ये साइंटिफिक यानी कि दोस्तों हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर बॉइल होता है तो वाटर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है तो बॉयज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कर सकते हो बहुत इजी है सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट स्पीच एंड राइट द आंसर इन योर बुक दोस्तों जो बुक है उसके अंदर यहाँ पर लिखना है कि आपको जो आ, आपको क्या करना है यहाँ पर जो है क्या करना है सीधा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कि आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है एक्टिव से सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देखिए दोस्तों ये अनिता से प्रकार से चीजें होने वाली है तो आप आसानी से कर सकते हैं ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे गए ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर यहाँ पर दोस्तों पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ठीक है फिर दोस्तों फिर द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है फिर आपका सेक्शन भी आता है जहाँ से देखिएगा रीड द फॉलोइंग दोस्तों अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पर सर्च करना है स्टडी मंदिर दोस्तों आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर ठीक है ना जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फिर आप नीचे आकर यहाँ पर जो स्टडी मंदिर की वेबसाइट से आप जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन केयरफुली एन आंसर द्वेश्चन दैट फॉलो इस पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ना देखो गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर सफरिंग पीपल एंड टू एड पीपल इन एनी वे कुड जैसे वो विदाउट यूजिंग फोर्स दोस्तों इस प्रकार से आने वाले गांधी जी वाज अगेंस्ट किसके विरुद्ध थे, थे। दोस्तों विरुद सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रीत द फॉलोइंग फॉलो फिर से एक पैसेज आपके सामने दे रखा है राजस्थान इज इंडिया लार्जेस्ट इन उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से पैसेज से रिगार्डिंग मेवाड़ मारवाड़ मॉडर्न चित्तौड़ एंड उदयपुर सारे क्वेश्चन आपको पैसेज से मिल जाएंगे और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक है ना सेक्शन सी देखिएगा रीड द द फॉलोइंग एंड आंसर दैट फॉलो एक पैसेज फिर से पूछा गया है और इसी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये आपका हथों में सॉल्व पूछा गया तो इसको भी आप आसानी से कर लेंगे ठीक है द यंग क्या चाहती थी रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्स फॉलो फिर से जो एक्स्ट्रैक्ट दे रखा है इसको पढ़ना है टाइगर के बारे में सवाल पूछा गया है आंसर एनिंग क्वेश्चन लेटर टू गॉड फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंक हंड्रेड ड्रेस आई द ब्लैक एड ये सारे क्वेश्चन दोस्तों फॉलोइंग क्वेश्चन दोनों में से कोई एक करना है ठीक है ना दोनों में से एक करना है ठीक है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर दिए क्वेश्चन ट्रू और फॉर्स में देना है सेक्शन डी दोस्तों आ गया है और सेक्शन डी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ पूछे इमेजिन दैट यू आर सीमा राइट लेटर टू योर फ्रेंड सुमन इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर फॉलोइंग पॉइंट्स यहाँ पर आपको सुमन को अटेंड करना है दोस्तों लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को उसके बाद यहाँ पर इमेजिन दैट यू आर मुकेश लिविंग इन शांति नगर चूरू यू पास तक सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी स्कूल राजस्थान अजमेर रिक्वेस्टिंग हिम टू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट ये मार्कशीट के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे गए स्टोरी को कंप्लीट करना है फॉलोइंग जो है आउटलाइन दे रहे है इसको यहाँ पर करना है उसके बाद ये जो फार्मर है वंडरफुल हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको सवाल पूछे गए हैं तो दोस्तों ये आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा दसवीं का एक पेपर था दोस्तों मॉडल पेपर ठीक है ना आप दोस्तों कमेंट करेंगे कि क्या सर ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आने वाला है तो दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों ये जो पेपर है ये पिछले साल का पेपर है तो आपके हर जिले में अलग अलग पेपर आता है तो कोई जगह यानी कि दोस्तों किसी ना किसी के यानी कुछ जो है क्वेश्चन है वो आ सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं कि पेपर सेम टू सेम आए लेकिन कुछ प्रश्न दोस्तों सेम आ सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय वंदे मातरम